रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कभी सारे पेशेंट हमारे पास में आते बोलते कि यदि हम एक जगह पे बैठे तो पैर हिलाना पड़ता है ऐसे, ताकि नहीं तो फिर वो ऐसा बहुत बेचैनी होती पैरों में, ऐसा कुछ तो भी लगता कि चल रहा है पैर में, पैरों को ऐसा हिला हिला दिया तो ठीक लगता है। या जब वो लेटते हैं या आराम करते हैं रात के समय, स्पेशली ये रात के समय ज़्यादा होता है, रात के समय जब वो बेड के ऊपर लेटते हैं सोने के लिए, तो उनको लगता है कि इधर से उधर पटकूँ पैर को, और पैर पटकने से हिलाने से थोड़ा ठीक लगता है। या फिर वो उठ के चलते हैं, थोड़ी एक्टिविटी करते हैं तो ठीक लगता है, और बाद में सोने के बाद में फिर वो सेंसेशन आता है कि कुछ तो भी चल रहा है पैर में, या पैर को झटके मारो ऐसे, या पैर को दबा दो तो थोड़ा ठीक लगता है, थोड़ी एक्टिविटी किया तो ठीक लगता है। और ये फिर ऐसे चलते रहता है, फिर मतलब चलेंगे थोड़ा मसाज करेंगे तो ठीक लगेगा, फिर सो जाना, फिर सोने के लिए थोड़े लेटे तो फिर वो हो जाएगा, फिर नींद खुल जाएंगी। मतलब उनको नींद लगती भी नहीं है एक्चुअली, नींद जैसा लगते लगते उनको ऐसे फटाक से जागा जाएंगी और पैर हिलाने की इच्छा होंगी। पैर हिलाए तो अच्छा हो जाता है, मतलब पैर को कुछ तो भी मूवमेंट किया तो अच्छा हो जाता है। तो ऐसा ये बीमारी है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, वो लेग जो है मतलब पैर रेस्टलेस हो जाते हैं, उनको हिलाना पड़ता है, दबाना पड़ता है, और फिर बाद में वो अच्छे हो जाते हैं। काफ़ी सारे लेट नाइट फिर उनको नींद नहीं आती, फिर बाद में कभी कभी नींद आ जाती है। तो ये जो बीमारी है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, एक्चुअली इसका कॉज डेफिनेटली मालूम नहीं है, मगर इसके लिए इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। एक तो यूरेमिया मतलब कॉज हो सकता है, यूरेमिया है, न्यूरोपैथीज की वजह से ऐसा हो सकता है, फिर आयरन एंड फोलिक ऐसी डिफिशेंसी जो है उससे ये हो सकता है, फाइब्रोमायल्जिया, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज़, थायराइड के डिसीजेस, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ऐसे अलग अलग बीमारी से मतलब ये बीमारी बॉडीली होने से ये बीमारी हो सकती है। इसमें इन्वेस्टिगेट जो करना पड़ता है वो फेरिटिन लेवल देखना पड़ता है, सीरम फेरिटिन लेवल वो कम है क्या, तो उसका इलाज करना पड़ेगा। डोपामिन अगोनिस दवाइयाँ जो है लाइक प्रेमीपेक्सोल, तो इसमें काम में आती है, उससे फ़ायदा होता है, या रोपिनरॉल जो दवाई है वो भी इसमें काम में आती रहती है। बाकी जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो एक एक तो अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, मसाज करना जरूरी है, यदि ऐसा होता है तो मसाजिंग इफेक्ट, मसाज करते पैरों को तो ठीक लगता है, फिर हॉट बाथ लेके सोए तो मतलब गर्म पानी से नहा के स्नान करके सोए तो काफ़ी फायदा होता है, एक्सरसाइज करना सोने के पहले, या फिर जहाँ जहाँ ऐसा वो रेस्टलेसनेस हो रहा है तो वहाँ थोड़ा गर्म या ठंडे पानी से बर्फ़ से थोड़ा मसाज करना, तो ये करते तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से नींद नहीं आती बेसिकली जल्दी, फिर और फिर लेट नाइट तक नींद नहीं आने से फिर बेचैनी होती रहती है, फिर दूसरे दिन सवेरे लेट उठते हैं व्यक्ति, और फिर सब बॉडीली डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसका इलाज करना जरूरी है, और इलाज यदि करते हैं तो बीमारी अच्छी हो सकती है। यूजली मिडिल एज में चालू हो जाता है, मतलब 35-40 के बाद में शुरू हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।